नमस्कार, आज दिन भर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ मीनाक्षी। आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हिंदी दिवस के अवसर पर हमीरपुर के जिला लोक संपर्क अधिकारी विनय शर्मा को राज्य भाषा अवार्ड से राज्यपाल ने किया सम्मानित। सांसद अनुराग ठाकुर ने सुजानपुर विधानसभा दौरे का आगाज चौक के जम्बाला में पौधारोपण कर किया। क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर में रोगी शिशुओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद आयुष मंत्रालय के लिए हिमाचल से लगातार तीसरी बार डॉक्टर अशोक शर्मा को चुना सदस्य। अब खबरें विस्तार से। हिंदी दिवस के अवसर पर हमीरपुर के जिला लोक संपर्क अधिकारी विनय शर्मा को राज्य भाषा अवार्ड से राज्यपाल ने सम्मानित किया। बता दें कि हमीरपुर जिला के लोक संपर्क अधिकारी विनय शर्मा हिंदी पत्रकारिता के बाद सरकारी सेवा में आए। कार्यालय में उनके हिंदी प्रेम की झलक उनके हिंदी में किए गए हस्ताक्षरों से झलकती है। हिंदी दिवस के अवसर पर हमीरपुर के जिला लोक संपर्क अधिकारी विनय शर्मा को राज्य भाषा अवार्ड से राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सम्मानित किया। बता दें कि हमीरपुर जिला के लोक संपर्क अधिकारी विनय शर्मा हिंदी पत्रिका के बाद सरकारी सेवा में आए। कार्यकाल में उनके हिंदी प्रेम की झलक उनके हिंदी में किए गए हस्ताक्षरों से झलकती है। विनय शर्मा का प्रयास रहता है कि अधिकतर विभागीय पत्राचार हिंदी में ही संपन्न हों। अक्षर मधुर भाषीय विनय शर्मा का मन संचालन भी शुद्ध हिंदी भाषा में ही देखने को मिलता है। जिला लोक संपर्क अधिकारी विनय शर्मा ने अवार्ड मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है और इसके प्रोत्साहन के लिए सभी को आगे आना चाहिए। उनका मानना है कि जिन देशों ने अपनी मातृभाषा को अपनाया है वो हमेशा तरक्की की ओर अग्रसर हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा हमारी एकता को प्रदर्शित करती है। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से आह्वान किया कि अपनी राष्ट्रभाषा से जुड़ें और सभी काम राष्ट्रभाषा में करें। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है और राष्ट्रभाषा है, और जिस राष्ट्र को अपनी भाषा में अपने आप को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है वो निरंतर तरक्की और उन्नति की तरफ बढ़ता जाता है। हमने देखा है कि जिन देशों ने अपनी राष्ट्रभाषा को अपनाया है, कामकाज में पूरी तरह से लागू किया है, वहाँ वो देश आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हिंदी भी एक ऐसी हमारी एकता को प्रदर्शित करती है, हम सब लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। और हमारा युवा पीढ़ी से यही आह्वान रहेगा कि अपनी राष्ट्रभाषा से जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है वो हम अपनी राष्ट्रभाषा में करें, क्योंकि हमारे ग्रामीण परिवेश में जितने लोग रहते हैं वो कम से कम हिंदी को समझ सकते हैं और हिंदी में अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसलिए हमारा सबका दायित्व बनता है कि अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति अपने लगाव को और राष्ट्रभाषा को अपनाकर जो है वो समाज को आगे ले जाने में अपना अमूल्य योगदान दे। सांसद अनुराग ठाकुर ने सुजानपुर विधानसभा दौरे का आगाज चौक के जम्बाला में पौधारोपण कर किया। सांसद अनुराग ठाकुर ने साथ ही चौकी के लोगों को केंद्र सरकार की उपलब्धियों और प्रदेश सरकार की नाकामियों के बारे में बताया। सांसद अनुराग ठाकुर ने सुजानपुर विधानसभा दौरे का आगाज चौक की जम्बाला में पौधारोपण कर किया। सांसद अनुराग ठाकुर ने साथ ही चौकी में लोगों को केंद्र सरकार की उपलब्धियों और प्रदेश सरकार की नाकामियों के बारे में बताया। सांसद अनुराग ठाकुर ने बताया कि एक हफ्ते के कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता अभियान, पौधारोपण इत्यादि कार्यक्रमों को एक हफ्ते तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर ही शुभ कार्य किए जाएंगे, ताकि लोगों को स्वच्छता अभियान और पौधारोपण करने के लिए प्रेरित किया जा सके। हफ्ते का कार्यक्रम स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण से लेकर गरीब परिवारों में जाकर, अनाथालयों में जाकर,
हम एक हफ्ते तक नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को लेकर इन शुभ कार्यों को करेंगे, ताकि देश भर में पर्यावरण को लेकर, स्वच्छता अभियान को लेकर और गरीब परिवारों का दुख दर्द बांटकर इस तरह का काम करें जिससे देश के हर वर्ग को लाभ मिल सके। कार्यक्रम में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज फैशन पॉइंट हमीरपुर, जहां आप पा सकते हैं पहली बार स्कूल और कॉलेज से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस। आज फैशन पॉइंट जहां उपलब्ध है स्कूल कॉलेज की ड्रेसेस, शर्ट पैंट स्कर्ट एंड स्कूल बैग्स, फुल एंड हाफ कोट ब्लेजर जैकेट एंड किंडर गार्मेंट्स। साथ ही रेडीमेड में उपलब्ध है अनारकली सूट कुर्ता और बच्चों के लिए ड्रेसेस की विभिन्न वैरायटीज। तो स्कूल और कॉलेज से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस के लिए कहीं और क्यों जाना, सिर्फ आरजे फैशन पॉइंट में ही आना। हमारा पता है आरजे फैशन पॉइंट अपोजिट डीप एंड कंपनी नियर सब्जी मंडी हमीरपुर। हमारा नंबर है 9817320738। आरके हॉस्पिटल हमीरपुर अब नई और एक्सपर्ट्स डॉक्टर की अनुभवी टीम ला चुका है आपके शहर हमीरपुर में। डॉक्टर रवि वर्धन प्रोपराइटर आरके हॉस्पिटल, डॉक्टर संजीव शर्मा एमएस ऑर्थो, डॉक्टर अमित श्रीवास्तव एमएस गायनी, डॉक्टर एमएन कमाल एमडी पीडियाट्रिक, डॉक्टर केतन फिजियोथेरेपिस्ट। विजिटिंग डॉक्टर्स हैं डॉक्टर मोहित वालिया डीएम कार्डियोलॉजी, डॉक्टर सुशील राही डीएम न्यूरोलॉजी एंड डॉक्टर सनी बिर्डी डीएम पल्मोनरी। दिमाग और फेफड़ों की बीमारियों के डॉक्टर हर महीने के पहले शनिवार को, साथ ही हृदय रोग विशेषज्ञ हर महीने के पहले बुधवार को, साथ ही आरके हॉस्पिटल में हड्डी की चोट या फ्रैक्चर का इलाज, नॉर्मल डिलीवरी, इमरजेंसी सिजेरियन, बच्चों के विशेषज्ञ, NICU, PICU जैसी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध, 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा। आरके हॉस्पिटल नाउ ISO 9001:2015 सर्टिफाइड, ऑपोजिट संत निरंकारी भवन नियर हथली ब्रिज भोटा रोड हमीरपुर। रोहित ट्रेडिंग कंपनी सुजानपुर, हमारे यहाँ उपलब्ध है अंबुजा सीमेंट जो आपके घर व दीवारों को बनाए मजबूत, घर की छत को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए हमारे यहाँ हर तरह की कलरफुल सीट है उपलब्ध जो आपके घर की छत को बनाए आकर्षक। हम देते हैं अपने सामान की पूरी गारंटी। हमारे यहाँ आप पाएंगे TMT सरिया, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ टाटा टिस्कॉन। हो बातें सपनों की, लो अपनों की एडवाइस, हो बातें प्यार की, सोचो मत ट्वाइस, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, हो खुशियाँ अपनों की, बनो थोड़ा वाइस। टाटा टिस्कॉन अटूट जोड़ के साथ इंडिया बोले लाइफ में नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। घर की चार दीवारी के लिए ले जाएं एंगल पत्ती, आपके घर की छतों को निखारने के लिए कलर सीट के साथ GI सीट की भी है भारी रेंज। इसके साथ ही आप पाएंगे PVC पाइप्स, GC पाइप्स, हर तरह की पानी की भी टंकियों की है भारी रेंज। सुंदर घर स्वपन आपका, सहयोग हमारा। अपने घर के सपनों को साकार करने के लिए आज ही पधारें रोहित ट्रेडिंग कंपनी नियर ब्यास ब्रिज आलमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। हमारा नंबर है 9816452119816335144। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर में रोगी शिशुओं की तादाद एकाएक बढ़ गई है। अस्पताल में वायरल उल्टी व दस्त के रोजाना 200 से 250 रोगी पहुंच रहे हैं। क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर की शिशु रोग विशेषज्ञ OPD में रोजाना 100 से 200 रोगी पहुंच रहे हैं, जबकि अस्पताल में एक ही शिशु रोग विशेषज्ञ है। यही एक शिशु रोग विशेषज्ञ OPD के अलावा अस्पताल में भर्ती करीबन 500 बच्चों का उपचार भी कर रहे हैं।
निजी अस्पताल हमीरपुर में रोगी शिशुओं की तादाद एकाएक बढ़ गई है। अस्पताल में वायरल उल्टी और दस्त के रोग रोजाना 200 से 250 रोगी पहुंच रहे हैं। क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर की शिशु रोग विशेषज्ञ ओपीडी में रोजाना 100 से 200 रोगी पहुंच रहे हैं, जबकि अस्पताल में एक ही शिशु रोग विशेषज्ञ है। यही एक शिशु रोग विशेषज्ञ ओपीडी के अलावा अस्पताल में भर्ती करीबन 500 बच्चों का उपचार भी कर रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों को भी शिशुओं का उपचार करवाने में परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शिशु वार्ड के बाहर लगी भीड़ को देखकर कई लोग तो बिना चेकअप करवाए ही चले जाते हैं और निजी अस्पतालों में महंगी फीस देकर चेकअप करवाने को मजबूर हैं। वहीं एसएम डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि मौसम के बदलने से बच्चे बीमार हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने माना कि अस्पताल में एक ही शिशु रोग विशेषज्ञ है और इसके बारे में उच्च अधिकारियों को बताया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अन्य डॉक्टर की नियुक्ति हो जाएगी। हाँ, आजकल एक्चुअली क्योंकि चेंज ऑफ वेदर है, उसकी वजह से फीवर के केस, टट्टी उल्टियों के केस ज़्यादा आ रहे हैं। कंपैरेटिवली काफ़ी इंक्रीज हुआ है, बट हमारी डॉक्टर्स की टीम कर रही है, इलाज चल रहा है और साथ साथ हम उनको साफ सफाई के तरीके, स्वच्छ पानी, इन चीज़ों के बारे में भी साथ साथ जानकारी दे रहे हैं। कहीं कहीं पानी का प्रभाव है, पानी ठीक नहीं है, दूषित पानी है, या पानी के उसके लिए हमने अभी पीछे जैसे हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे ऑल ऑफ ए सडन हमारे हॉस्पिटल के वार्ड्स में, बच्चा वार्ड में पीलिया के केसेस बढ़ गए थे, तो हमने उसके लिए, उसकी आईसी एक्टिविटी के लिए, उसके फर्दर एक्शन के लिए आईपीएच विभाग से भी कम्युनिकेट किया है कि अगर पानी में क्लोरिनेशन या कुछ उसकी सैम्पलिंग की ज़रूरत है तो वो उस ढंग से की जाए, ताकि एटलीस्ट पानी से बच्चों को हेपेटाइटिस या पीलिया या ऐसे दस्त उल्टियाँ ऐसी बीमारियाँ ना लगे। हमीरपुर जिला के पॉलिटेक्निकल बड़ू मैदान में आयोजित पुलिस कांस्टेबल भर्ती के तीसरे दिन सुजानपुर तहसील के अभ्यर्थियों ने मैदान में दमखम दिखाया। करीब 1830 युवाओं को कॉल लेटर जारी किए गए थे। साथ ही शारीरिक मापदंड प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें ऊंची कूद, लंबी कूद प्रक्रिया करवाई गई। हमीरपुर जिला में पुलिस मैदान बड़ू में आयोजित पुलिस कांस्टेबल भर्ती के तीसरे दिन सुजानपुर तहसील के अभ्यर्थियों ने दमखम दिखाया। करीब 1830 युवाओं को कॉल लेटर जारी किए गए थे। साथ ही शारीरिक मापदंड प्रक्रिया शुरू हुई, इसमें ऊंची कूद, लंबी कूद की प्रक्रिया करवाई गई। वहीं मैदान में युवाओं ने जमकर पसीना बहाया। 870 के करीब अभ्यर्थियों का मैदान में ही दम फूल गया, जिससे वे बाहर हो गए। 870 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड प्राप्त करने में सफल रहे। पुलिस भर्ती के तीसरे दिन 870 के करीब अभ्यर्थियों ने मैदान टेस्ट पास किया है। 627 युवा मैदानी प्रक्रिया से बाहर हो गए। वहीं एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीणा ने बताया कि जिला में पुलिस विभाग में आरक्षी पद की 84 सीटों पर भर्ती करवाई जा रही है, जिसमें तहसील के तहत भर्ती प्रक्रिया करवाई जा रही है। इसी के चलते आस नदौन तहसील के युवाओं ने भर्ती में भाग लिया और मैदान में अपना दमखम दिखाया। उन्होंने बताया कि युवा मैदान में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भर्ती 2017, इसमें हमीरपुर जिले में टोटल 84 सीट्स हैं, जिनके लिए तहसीलवार हम भर्ती करवा रहे हैं। तहसील के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाया जा रहा है। कुल 1252 कैंडिडेट हैं जिनको कि आज बुलाया गया है, और उनके डॉक्यूमेंटेशन चेक होने के बाद में उनको फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि यहाँ फिटनेस का लेवल अच्छा है, बच्चे अच्छा कर रहे हैं, तो भर्ती चली हुई है और ये 17 तक यहाँ पर भर्ती रहेगी, जिसमें कि अलग अलग तहसीलवार अलग अलग दिन आवंटित किए हैं। 17 तक है भर्ती। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 10 साल सफलतापूर्वक दुलेड़ा ऊना में कंप्लीट करने के बाद पूरी फर्नीचर हाउस अब आपके शहर हमीरपुर में मट्टन सेठ हनुमान मंदिर के सामने दे रहा है अपनी सेवाएं। अपने घर व ऑफिस को सुंदर बनाने के लिए आज ही आए पूरी फर्नीचर हाउस हमीरपुर और ले जाए बेहतर क्वालिटी का फर्नीचर, जो आपके घर की सुंदरता में लगा दे चार चांद। आपकी सुविधा के लिए सागवान लकड़ी से तैयार करवाए जाते हैं सोफा कम बेड, दीवान कम बेड, डाइनिंग टेबल, चेयर, अलमीरा की भारी रेंज। आपके ऑफिस को नए लुक देने के लिए हम देते हैं
गारंटी के साथ डिजाइनर रिवॉल्विंग चेयर, सेलो प्लास्टिक चेयर व ऑफिस की हर जरूरत का सामान। साथ ही हमारे यहाँ उपलब्ध है गोदरेज के गद्दे। तो दीजिए अपने घर व ऑफिस को नई लुक पूरी फर्नीचर हाउस के साथ। हमारा पता है पूरी फर्नीचर हाउस नियर हनुमान मंदिर मटनसी हमीरपुर। हमारा नंबर है 9816562762888942339090। ठाकुर द्वारा गौशाला समिति वर्ष 2001 से लावारिस बेसहारा तथा पीड़ित गाय की कर रही है देखभाल। कमेटी के अथक प्रयासों, दानदाताओं के सहयोग से पीड़ित गौधन को बचाने का किया जा रहा है प्रयास। कमेटी द्वारा लावारिस पीड़ित व बेसहारा गौओं की जाती है सेवा। गौशाला में गाय का घी, अर्क व पंचगव्य से निर्मित धूप दवाइयां भी हैं उपलब्ध। गौशाला में किसानों के लिए वर्मिंग खाद भी की जाती है तैयार। गौशाला में गौ पूजन, गौदान, तुलादान, शनि, नवग्रह व नवरात्रों पर पूजा पाठ का किया जाता है विशेष आयोजन। दानी सज्जन गौशाला में दान करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर पर दान कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई दान राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में भी दी जाती है छूट। तो आज ही आए ठाकुर द्वारा गौशाला समिति जमली धाम और बने पुण्य के भागी। गणपति इंटरप्राइजेस लावा मोबाइल हमीरपुर। हमारे यहाँ उपलब्ध हैं लावा के हर तरह के मोबाइल। हमारे यहाँ लावा मोबाइल होलसेल और रिटेल किए जाते हैं। ग्राहकों की हर सुविधा का रखा जाता है खास ख्याल। हमारे यहाँ लावा मोबाइल का ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर उपलब्ध है। यहाँ पर ग्राहकों को दी जाती है बेहतरीन सर्विस। दुनिया का जाना माना नाम लावा मोबाइल। तो आप चाहते हैं मैं लोगों को बोलूं कि आपका फोन बहुत रिलायबल है? सर, लावा का हर फोन हजारों टेस्ट से होकर गुजरता है। मैं कैसे मानूं? सर, आप खुद एक्सपीरियंस करके देख लीजिए। ओहो, गलती से ले लिया। लोगों को ये बोलने से पहले कि आपके फोन रिलायबल है, वैसे लावा का हर फोन हजारों टेस्ट से गुजरता है। एक्स्ट्रा टॉवल लाना चाहिए था, कॉल करके मंगवा लेंगे। ओह नो, फोन अंदर नहीं आया, खराब हो जाएगा। नो सर, इसके लिए भी टेस्ट किया सर। जस्ट वन ऑफ द थाउजेंड टेस्ट्स दैट मेक लावा फोन्स सो रिलायबल, नेवर लेट्स यू डाउन। जब भी लेना हो लावा मोबाइल, आए गणपति इंटरप्राइजेस हमीरपुर। हमारा पता है गणपति इंटरप्राइजेस न्यू रोड ऑपोजिट इलाहाबाद बैंक हमीरपुर। हमारा नंबर है 9816789389 9805816833। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद आयुष मंत्रालय के लिए हिमाचल से लगातार तीसरी बार डॉक्टर अशोक शर्मा को सदस्य चुना गया है। तीसरी बार सदस्य चुने जाने पर हमीरपुर में डॉक्टर अशोक शर्मा ने प्रदेश के तमाम आयुर्वेदिक डॉक्टरों का आभार व्यक्त किया। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद आयुष मंत्रालय के लिए हिमाचल से लगातार तीसरी बार डॉक्टर अशोक शर्मा को सदस्य चुना गया है। तीसरी बार सदस्य चुने जाने पर हमीरपुर में डॉक्टर अशोक शर्मा ने प्रदेश के तमाम आयुर्वेदिक चिकित्सकों का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर अशोक शर्मा को 1016, डॉक्टर दिनेश कुमार को 732, डॉक्टर सुनीत पठानिया को 204 और डॉक्टर वीरेंद्र कौर को 101 वोट पड़े, जबकि 200 वोट रद्द हुए हैं। डॉक्टर अशोक शर्मा ने कहा कि प्रदेश से दूसरी बार कोई नहीं चुना गया था, लेकिन डॉक्टरों ने तीसरी बार भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक क्षेत्र की समस्याओं का निदान करने के लिए प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धूमल सरकार के समय में आयुर्वेद के लिए बढ़िया काम हुआ है, लेकिन वर्तमान सरकार कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। अशोक शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में आयुर्वेदिक क्षेत्र में स्थिति खराब बनी है, क्योंकि प्रदेश में स्टाफ की कमी चल रही है तो कई केंद्रों पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कमीशन के तहत फार्मासिस्टों की पोस्टों को भरने के लिए काम नहीं किया गया है। ये जो चुनाव हुआ है हिमाचल प्रदेश से भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन में केवल मात्र एक सीट
हिमाचल प्रदेश से होती है। इसमें प्रदेश के सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर, डिग्री होल्डर या रजिस्टर्ड जो भी प्रैक्टिशनर हैं, वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जितना भी देश के पूरे देश से 80 सीटें आती हैं, उनमें 60 इलेक्टेड होते हैं और हिमाचल के हिस्से में सिर्फ एक सीट आती है। पिछले तीसरी टर्म मेरी ये शुरू हुई है, अब जो चुनाव हुआ है, जितने भी हिमाचल में आयुर्वेदिक कॉलेज खुलते हैं या आयुर्वेद से संबंधित जितनी भी केंद्र सरकार में योजनाएं जाती हैं या जितने भी सिस्टम में, जैसे सिलेबस बनना है, कॉलेजेस की अपग्रेडेशन होनी है या उनमें जो चिकित्सा से संबंधित हैं, क्योंकि हिमाचल एक पहाड़ी क्षेत्र है और अधिकांश इसमें दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र आते हैं और उनमें सबसे ज्यादा चिकित्सा सुविधा अगर कोई उपलब्ध करवाता है तो आयुर्वेद के लोग हैं। हिमाचल प्रदेश की छोटी सी आबादी है और यहां भी सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही 70 लाख रोगी वार्षिक जो है आयुर्वेद के डॉक्टर देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है प्रदेश की। तो उसका जितना भी सिस्टम दिल्ली से फाइनल होता है, जो भी उसमें पॉलिसीज बनती हैं, उनमें सब में पार्टिसिपेशन इस मेंबर की रहती है और यहां से चुना जाना मेरे लिए बड़े गर्व की बात है क्योंकि तीसरी बार मैं लगातार, और उससे भी ज्यादा मुझे ये है गर्व की बात के मेरे लिए कि इस प्रदेश से एक बार से दूसरी बार कोई नहीं चुना गया था आज तक। समस्याएं जैसे यहां जितने भी चिकित्सा अधिकारी हैं, क्योंकि मैं यहां पिछली धूमल जी की सरकार में आयुर्वेद का ओएसडी भी रहा हूं 5 साल, तो चिकित्सा अधिकारी जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं और जनता को चिकित्सा सुविधाएं जो है देते हैं, तो उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको भी उठाते रहे हम। और माननीय धूमल जी ने काफी आयुर्वेद के डॉक्टरों को प्रोत्साहित भी किया है, उनकी अपॉइंटमेंट्स भी की हैं और जितने आयुर्वेद के इंस्टीट्यूशन थे जो ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देते थे, उनकी अपग्रेडेशन जो हुई है, स्तरोन्नत जो किया है, वो भी धूमल जी के टाइम में हुआ है। और ये जो मेरी जीत है, इसमें बड़ा मेजर रोल धूमल जी के द्वारा किए गए कार्यों का है। इलेक्शन में 2425 वोट पोल हुए थे टोटल, और उसमें से 200 के लगभग रद्द हुए, बाकी जो बचे उसमें से 1016 वोट मुझे मिले। कांग्रेस का तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो अभी एम्प्लाई है, लेकिन वीरभद्र द्वारा मनोनीत किया गया आयुर्वेद विभाग का ओएसडी, जिसको लगातार मैंने तीसरी बार हराया इस बार, और वो 2 बार ओएसडी भी रह चुका है आयुर्वेद विभाग का, वो दूसरे नंबर पे रहा है, 700 कुछ वोट उसको मिले हैं। और तीसरे नंबर पर केवल सिंह पठानिया जी जो फ्रेश कारपोरेशन के चेयरमैन है, उनका बड़ा भाई था, तो 300 कुछ वोट उसको मिले हैं। और चौथे नंबर पर एक वीरेंद्र कौल, उसको 200 वोट मिले हैं। डीपीओ में आने वाले राशन की थैलियों का वजन कम होने से डीपो धारकों में सरकार के प्रति रोष पनप रहा है। चीनी और आटा की थैलियों में मात्रा कम होने से डीपो धारक सभी राशन कार्ड धारकों को नहीं दे पा रहे हैं, साथ ही उन्हें राशन वितरण करने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डिपो में आने वाले राशन की थैलियों का वजन कम होने से डिपो धारकों में सरकार के प्रति रोष पनप रहा है। चीनी और आटा की थैलियों में मात्रा कम होने से डिपो धारक सभी राशन कार्ड धारकों को नहीं दे पा रहे हैं, साथ ही उन्हें राशन वितरण करने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिपो में राशन पूरा नहीं आने से लोगों के साथ साथ डिपो धारकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिपो धारकों का कहना है कि सरकार द्वारा जो राशन उन्हें प्राप्त हो रहा है, उसमें लिखे गए वजन के अनुसार सामान्य सामान का वजन पूरा नहीं है, जिसके चलते घाटे की सारी भरपाई डिपो धारकों को पूरी करनी पड़ रही है। सामान का वजन कम होने के कारण अब डिपो धारकों को इससे हो रहे घाटे को पूरा करना चुनौती बन गई है। प्रदेश डिपो संचालक के महासचिव अशोक कबी ने बताया कि सिविल सप्लाई द्वारा जो राशन उन्हें प्राप्त हो रहा है, उसमें लिखित वजन
ज्यादा और वास्तविक वजन कम है, जिसके चलते घाटे की भरपाई डिपो धारकों को करनी पड़ रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि हर गोदाम में छापेमारी की जाए और गोदामों में कहां घोटाला हो रहा है उसका भी पता लगाया जाए। साथ ही सरकार द्वारा 6 दालों में से 3 दालें चुनने के फैसले को भी वापस लेने की मांग प्रदेश डिपो संचालकों ने की है। इस डिपो संचालक समिति के कुछ मेंबर माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री जी एस बाली से नूरपुर में मिलने गए अपनी मांगों को लेकर। जब हम वहां से वापस आ रहे थे तो नगरोटा सूर्य के तहत एक सहकारी सभा का डिपो है सपरू, तो वहाँ डिपो पे राशन उतर रहा था। हमने उसको अचानक चेक किया और उनका जो माल जो सिविल सप्लाई कारपोरेशन ने भेजा था उसको हमने उसका वेट चेक किया, तो जो हमने लेवी शुगर का बैग जो चेक किया तो लेवी शुगर का बैग निकला 99 किलो 800 ग्राम, जबकि इसका वजन होना चाहिए था 50 kg 100-150 ग्राम होना चाहिए था। जो खाली बैग है उसका वेट मिला के 50 kg 150 ग्राम चाहिए था। वही आ था आटे की थैली का 10 केजी वाली जो थैली थी उसका वेट निकला 9 किलो 900 ग्राम, जबकि इसका वेट चाहिए था 10 केजी 100 ग्राम। वही आल नमक का था, नमक 24.5 केजी का बैग था जबकि ये चाहिए था 25 किलो 100 ग्राम। तो ये नेट वेट की जो आइटमें हैं इसके ऊपर जो नेट वेट वाली आइटम है उसकी उनकी ये हालत है। तो जो ग्रॉस वेट में सिविल सप्लाई कारपोरेशन रिपोर्ट है वो सप्लाई करती है तो उसमें ये कितनी धांधली करते होंगे मैं इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हमने 2 महीने पहले भी इसी डिपो को चेक किया था और जो वहाँ के इंचार्ज है सिविल सप्लाई कारपोरेशन के श्री प्रभात जी, उनसे बात की थी और उन्होंने सॉरी कहकर जो अब अपना पीछा पिछली बार छुड़ाया था। कल भी जब हमने इनको दूरभाष के ऊपर बात की, मोबाइल से हमने उनको कॉल करी, तो कल भी उन्होंने सॉरी कहकर अपना नंबर जो काट दिया, हमारे से बात नहीं की। तो मैं सरकार से ये मांग करूंगा कि ऐसे जो सिविल सप्लाई के जो कारपोरेशन के गोदाम है प्रदेश भर में जहां ये लूट मची है और रिपोर्टरों को लूटा जा रहा है, इनके विरुद्ध जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए और इनके विरुद्ध छापेमारी की जाए, इनके गोदाम चेक किए जाए कि इनके पास जो सरप्लस माल है वो कहां से आ रहा है। चलते चलते एक बार फिर रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हिंदी दिवस के अवसर पर हमीरपुर के जिला लोक संपर्क अधिकारी विनय शर्मा को राज्य भाषा अवार्ड से राज्यपाल ने किया सम्मानित। सांसद अनुराग ठाकुर ने सुजानपुर विधानसभा दौरे का आगाज चौक के जम्बाला में पौधारोपण कर किया। क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर में रोगी शिशुओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद आयुष मंत्रालय के लिए हिमाचल से लगातार तीसरी बार डॉक्टर अशोक शर्मा को चुना सदस्य। तो ये था आज दिन भी कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एसपी के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के इस अंक में। आइए सबसे पहले जो प्रदेश देश और विदेश से राजनीति खेल और मनोरंजन की दुनिया की हर खबर दर्शकों तक पहुंचाने का वादा करता है, हर खबर पर होगी पहली नजर। जानिए आज दिन भर कहां क्या हो रहा है, क्या है शहर जिला और प्रदेश का हाल, क्या रही दिन भर की प्रमुख गतिविधियां, आपको रखे हमेशा अपडेट एच टुडे आज दिन भर। नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के इस अंक में। आइए सबसे पहले चाहे हो आपकी कोई समस्या या फिर बिना हो हर दिन किसी नई हस्ती से, मनोरंजन हो या फिर जानना हो अपना भविष्यफल, एच टुडे रखते